तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आपके DMRC के पेपर को देखते हुए एक और पेपर लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का, जो आपका पिछले साल हुआ था 9/4/2018 को। ये दिल्ली मेट्रो का पेपर है जो पिछले साल 2018 में कराया गया था। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको ये पहला क्वेश्चन है, द डाटा दैट शुड बी नोन बिफोर वाइंडिंग आर री वाइंडिंग ऑफ एन एसी स्टेटर। बोला है दोस्तों कि हमको री वाइंडिंग करते समय जो एसी स्टेटर होता है, इसमें कौन सी डाटा की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, जब हम री वाइंडिंग करते हैं तो हमको चाहिए होता है पोल की संख्या कितनी है और उसके साथ फेज कनेक्शन कितने हैं। अगर दो चीज़ें क्लियर है तो हम उसे हम पता कर सकते हैं कितने वाइंडिंग की जो भी सामग्री लगनी हो कितनी लगेगी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स एंड फेज कनेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब मोटर का आर्मेचर घूर्णी क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है। फिर तो दोस्तों, जब कोई आर्मेचर किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो यह बल रेखाओं को काटता है, तो यहाँ पर एक EMF उत्पन्न हो जाता है हम लोग, जिसे बोलते हैं जनरेटेड EMF या इंड्यूस्ड EMF। तो हमेशा ये इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। इसी प्रिंसिपल पे हमारा जो जनरेटर होता है वही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो दोस्तों, दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें पहली बात, जो मशीन जिस पर कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर जहाँ मशीन रखी हुई है वहाँ के सुरक्षा नियमों का पालन करके हम वहाँ पर दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, कार्य विशेष मशीन तथा कार्य संस्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी माध्यम के विद्युत प्रतिरोध को प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो दोस्तों, हम जो विद्युत प्रतिरोध नापते हैं यहाँ पर जो मेगर है उससे भी नापते हैं, लेकिन यहाँ मेगर से हम हाई रेजिस्टेंस ही नापते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ बोलता है किसी माध्यम के, तो जो माध्यम का विद्युत प्रतिरोध होता है दोस्तों वो हाई रेजिस्टेंस नहीं होता, उसका रेजिस्टेंस लगभग कम ही होता है, मीडियम रेंज का या लो रेंज का होगा। तो उसको हम मेजर करते हैं ओम मीटर से। तो आपका आंसर से हो जाएगा ओम मीटर से। मेगर से भी रेजिस्टेंस मापा जाता है, लेकिन इससे हम रेजिस्टेंस जो मापते हैं वो किस में होता है, मेगा ओम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मापक यंत्रों में नियंत्रक बलागुण आवश्यक होता है क्योंकि। तो दोस्तों, जो मापक यंत्र होता है, अगर कोई भी मापक यंत्र मान लीजिए स्केल है, यहाँ से जब डिफ्लेक्शन तार लगता है तो स्केल अपना यहाँ आ जाता है, कहीं पर डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर कोई इसके विरोध में कंट्रोलिंग तार नहीं लगेगा तो डिफ्लेक्टर आपका जो पॉइंटर है इधर आकर बॉडी में टच कर जाएगा, तो जिससे हमारा मेजर सही नहीं कर पाए इंस्ट्रूमेंट। तो हमें एक एक कंट्रोलिंग तार की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम क्या करते हैं, इस पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग तार के रूप में हम स्प्रिंग का भी ज़्यादातर यूज करते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विक्षेपित बलागुण का विरोध करता है। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, जो डिफ्लेक्शन है इसी का वो विरोध करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इफ़ द वन प्राइमरी साइड ST फ्यूज ब्लो आउट देन द प्राइमरी डेल्टा सर्किट विल बिकम ए वी सर्किट विच विल बी एबल टू वर्क। दोस्तों, ये बोल रहा है कि अगर डेल्टा कनेक्शन है तो अगर कोई एक फेज ओपन हो जाता है तो ये VV कनेक्शन में आ जाता है। तो पूछ रहा है कि कितना लोड शेयर करेगा। तो दोस्तों, अगर एक फेज टूट जाता है तो ये 58% लगभग क्या करता है, लोड शेयर करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन हैंड स्टार्टर आप DC शंट मोटर आप 3 पॉइंट स्टार्टर विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज। तो दोस्तों, जो 3 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं हम लोग, किसको ये स्टार्ट करने के कहते हैं, DC शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। तो आपका यूज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शंट मोटर। अगर कंपाउंड मोटर भी होता तो शंट और कंपाउंड मोटर को यूज़ करते हैं, किसे,
थ्री पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन ए लेड एसिड बैटरी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोरेड इन फार्मा। तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी हो चाहे कोई भी बैटरी या सेल हो, जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है हमेशा केमिकल एनर्जी होती है। तो कभी कभी पूछता है कि सेल में कौन सी एनर्जी होती है, तो सेल में क्या होती है, केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। या बैटरी क्या करता है, तो बैटरी भी केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो भी सेल या बैटरी है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस रूप में होती है, केमिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता है। तो दोस्तों प्रबल रूप से आकर्षित नहीं होता है, मतलब आकर्षित होता है तो वो किस में आएगा, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल में आएगा। तो आपका जो आता है मैग्नीशियम किस में आता है, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। बाकी सब ये सब हैं जो लोहा इस्पात और निकिल ये सब आते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में, और मैग्नीशियम आता है पैरा में। तो ये इनको चुंबकीय क्षेत्र पर ले जाने पर बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं, और इसको ले जाने पर आकर्षित तो होता है लेकिन तेज़ी से आकर्षित नहीं हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए सिंक्रोनस मोटर इज एन। तो जो दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होता है कभी भी सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है। तो सिंक्रोनस मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो सिंक्रोनस मोटर एक नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा चार नंबर, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक तार के व्यास को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से मापा जा सकता है। तो दोस्तों तार के व्यास को नापने के लिए हम यूज़ करते हैं वायर गेज। क्या यूज़ करते हैं, वायर गेज। तो आपका वायर गेज से ही हम तार को, तार की साइज या व्यास को मापते हैं। तो इसको हम मापते हैं SWG में, स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला है, टैपिंग क्षेत्र नियंत्रण विधि में क्षेत्र वर्तनों को कम करने से फ्लक्स भी कम हो जाता है जिससे। दोस्तों देखिए जो हमारा हमारा जो फ्लक्स अगर कम होता है तो यन इक्वल टू होता है EB/φ। तो अगर फाई कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर फ्लक्स में कमी होती है तो हमारा गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा उपयोग करने के लिए को उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रखरखाव करना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा हम अपने परिसर में क्या करते हैं, अर्थ जरूर लगाते हैं जिससे हमारा सुरक्षा भी हो सके और मशीन का रखरखाव भी हो सकता है। तो अगला आंसर आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज वेरी रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एंड फायर हजार्ड। बोला कि कौन सा जो इंसुलेटिंग मटेरियल है जो सबसे अच्छा प्रतिरोधक है आग लगने का और तुम्हारा ऑक्सीकरण का। तो आपका सिंथेटिक इंसुलेटिंग आयल जो होता है इसमें आग बहुत कम लगता है और ये ऑक्सीकरण से भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पोलरिटी रिमेन कांस्टेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेट। दोस्तों ये पूछ रहा है कि कौन से मैग्नेट की पोलरिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो दोस्तों अगर हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं तो अगर हम इसमें सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर अगर यन पोल बन गया, यस पोल बन गया, तो इसकी हम दिशा को, इसके पोलरिटी को हम चेंज करके, मतलब इसके इसमें करंट फ्लो होने वाली दिशा को चेंज करके इसकी पोलरिटी भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ यन बना लेंगे, यहाँ पर क्या बना लेंगे, यस बना लेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमेशा इसकी पोलरिटी चेंज हो सकती है, लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होता है आपका पोलरिटी उसकी चेंज नहीं होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा चार नंबर, परमानेंट मैग्नेट जिसकी पोलरिटी हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम काफ़ी क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिए हुए हैं, तो आप इंग्लिश से घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश वाले अगर इसमें DMRC में एक समस्या है लैंग्वेज को समझना। अगर लैंग्वेज आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आप आसानी से कर जाएंगे। अगर इसीलिए आप जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे उसको तुरंत इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, वहाँ पर आपको आपको स्क्रीन पर रहेगा आपका इंग्लिश वाला ऑप्शन, इसको इंग्लिश में तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ मेजर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू टेस्ट
द इंसुलेशन बिटवीन। पूछ रहा दोस्तों जो मेगर का यूज करते हैं वो किसके बीच का इंसुलेशन मापता है। तो दोस्तों ये जो मेगर होता है वो ये दो तरीके से इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है, एक तो लाइन टू लाइन का और एक लाइन टू अर्थ का। तो हम जानते हैं दोस्तों कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत कम होता है, जीरो लगभग होता है। तो हमारा मेगर का पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, तो हाई टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल के बीच का मांगता है, मेजर करता है उस इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हाई पोटेंशियल पॉइंट टू अर्थ। आपका अगला क्वेश्चन है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इन क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू द रजिस्टर इज डिस्क्राइब इन। बोल रहा है दोस्तों जो अल्जेब्रिक सम है पोटेंशियल ड्रॉप का और ईएमएफ का, तो यही होता है आपका दोस्तों केवीएल। केवीएल क्या करता है, आपका समस्त विद्युत वाहक बल और समस्त वोल्टेज ड्रॉप का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो यही आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। तो आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन ए कार्बन रजिस्टर द कार्बन इज यूज टू मेकिंग रजिस्टर एज इट इज एन। तो बोला है कि जो कार्बन यूज करते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो ये होता है आपका नॉन मेटेलिक रजिस्टर एंड आइडियल मटेरियल। मतलब जो उसमें यूज करेंगे वो नॉन मेटेलिक होना चाहिए, मतलब धातु उसमें ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, नॉन मेटेलिक एंड आइडियल मटेरियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक सर्वात्रिक मोटर में क्षेत्र वेस्टर्न किस प्रकार के तार से निर्मित होती है। तो इसमें जो चाहे जो हम लोग दोस्तों जो वाइंडिंग में तार वायर का यूज़ करते हैं वो हमेशा इनेमिल्ड कापर होता है। तो दोस्तों इनेमिल्ड कापर किसे कहते हैं, वह कापर जिसके ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन चढ़ा होता है। तो हम एक कापर इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इनेमिल्ड कापर। तो जो वाइंडिंग दोस्तों वाइंडिंग में कापर का यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, इनेमिल्ड कापर ही होता है। तो आपका हो जाएगा इनेमिल्ड तार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक शीशा अम्ल लेड एसिड बैटरी को निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघट्य को मिश्रित करके बनाया जाता है। दोस्तों ये पूछ रहा है लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। तो दोस्तों जो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं वो होता है H2SO4 प्लस H2O, जहाँ ये क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये क्या है जल है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कभी भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं, और किस रेशियो मिलाते हैं, एक संबंध है तीन में। तो तीन 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 अगर एक लीटर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है तो 3 लीटर क्या हो जाएगा जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राउंड वायर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज। तो पूछ रहा है दोस्तों कि जो ग्राउंड वायर का यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा मटेरियल करते हैं। तो उसमें जो ग्राउंड वायर यूज करते हैं दोस्तों इसको उसमें स्टील का मटेरियल यूज करते हैं, तो ये होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील, GI स्टील। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, जब पी तथा एन प्रकार के पदार्थों के दो छोटे टुकड़े ऊष्मा उपचार द्वारा एक साथ जोड़े जाते हैं तो यह संधि किस रूप में काम करती है। तो दोस्तों जब पी टाइप तथा एन प्रकार के दो जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़ा जाता है तो यहाँ पर बनता है आपका ये पी हो गया ये एन हो गया, तो यहाँ बनता है पी एन जंक्शन, और इसी पूरी डिवाइस को क्या बोलते हैं डायोड बोलते हैं। तो आपका क्या बनेगा डायोड। तो अगर दोस्तों आपके ऑप्शन में डायोड नहीं रहेगा तो आप इसको भी लगा सकते हैं पीएन जंक्शन भी आपको, लेकिन यहाँ पर डायोड सुटेबल आंसर हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे डायोड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द थ्री फेज सिस्टम ऑफ द रोटर कन्वर्टर देयर विल बी थ्री स्लिप रिंग द थ्री टाइपिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो दोस्तों जो थ्री फेज में जो टाइपिंग होती है कितने डिग्री होती है 120 डिग्री। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया दोस्तों, 360 अपान क्या होता है एन, या एन क्या है फेजों की संख्या। तो तीन फेज तीन रखेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये और ये फेजों की संख्या कभी भी दो से कम नहीं होनी चाहिए, तीन से कम नहीं होनी चाहिए, दो से अधिक ही होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वेस्टर्न किस पर लपेटी जाती है। तो कोर प्रकार के
परिवर्तक में वेस्टर्न जो आपकी वाइनिल लपेटी जाती है कोर के दोनों भागों पर लपेटी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी में प्रयुक्त ऋणात्मक प्लेट द्वारा निर्मित होती है। तो दोस्तों जो हम लोग लेड एसिड बैटरी में प्लेटें बनाते हैं वो आपकी होती है ऋणात्मक प्लेट शुद्ध लेड की होती है। तो और जब इनको डिस्चार्ज किया जाता है तो दोनों प्लेटें हो जाती है PbSO4, और जब ये चार्जिंग होती है तो आपकी जो ऋणात्मक प्लेट होती है लेड की होती है और वो होती है लेड पॉजिटिव प्लेट होती है लेड परऑक्साइड की। तो हमेशा आपकी जो निगेटिव प्लेट होगी किसी होगी शुद्ध लेड की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द लैम्प दैट आर जनरली इज मेड विद द पावर बिटवीन 0 से 0 to 25 वाट। बोला है कि वह लैम्प बताइए जो जिसकी पावर 0 से 25 वाट के बीच बनाई बनाई जाती है। तो वो होता है आपका वैक्यूम फिलामेंट लैम्प। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, वैक्यूम फिलामेंट लैम्प। इसको 0 से 25 वाट के रेटिंग में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द अर्थिंग इक्विपमेंट आर यूज टू अवॉइड। दोस्तों जो अर्थिंग इक्विपमेंट होते हैं, देखिए दोस्तों अगर ये कोई मशीन है तो इसके बॉडी को अर्थ कर दिया जाता है। तो ये क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि अगर कोई लीकेज करंट बाई चांस बॉडी में आ गई तो अगर हम इसको टच करते हैं तो हमको शॉक लगने की संभावना होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, जिससे तुरंत ये करंट कहाँ चली जाती है, ज़मीन में चली जाती है। तो लीकेज करंट को से सुरक्षा के लिए करता है। अगला है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिस्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक PNP और एक दूसरा NPN। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा है, PNP ट्रांजिस्टर दिया हुआ, बाकी सब कोई भी गलत नाम लिखा हुआ है। अगला देखते हैं दोस्तों 29 नंबर, समय आधारित पैमाने पर किसी विद्युतीय तरंग के आयाम परिवर्तन को देखने के लिए किस मापक यंत्र को बनाया जाता है। तो दोस्तों हम बनाते हैं उसके लिए CRO बनाया जाता है। CRO मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन लेमिनेटेड फील्ड ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर व्हिच कोर्स आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेटर एंड रोटर। तो दोस्तों पूछ रहा है कि जो लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर में कौन सी करते हैं। तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर आपकी होती है AC और DC दोनों पे काम करती है। तो हम इसलिए ऐसी कोर यूज़ करते हैं जिससे हमारे ED करंट लॉसेस क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसलिए जो कोर यूज़ करते हैं उसे हम क्या करते हैं, लेमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी आंसर हो जाएगा लेमिनेटेड आयरन कोर्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द इग्निशन पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर आयल इज टर्न पैज। दोस्तों ये बोल रहा है कि जो पॉइंट है ट्रांसफार्मर आयल का उसे हम लोग बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। मतलब फ्लैश पॉइंट का मतलब यही है कि वह पॉइंट जहाँ तक ट्रांसफार्मर आयल टेम्परेचर को सह सकता है, उसके ऊपर पॉइंट को उस पर जैसे ही टेम्परेचर उसके ऊपर जाएगा ट्रांसफार्मर आयल क्या हो जाएगा, जल जाएगा, उसमें आग लग जाएगी। तो हमारा फ्लैश पॉइंट वही होता है जहाँ तक ट्रांसफार्मर आयल टेम्परेचर को सह सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन रोटरी कन्वर्टर द कम्यूटेटर इज माउंटेड ऑन वन साइड ऑफ द रोटर शाफ्ट व्हाइल द स्लिप रिंग आर माउंटेड ऑन द अदर साइड रोटर। दोस्तों तो एक जो रोटरी कन्वर्टर होता है उसके एक साइड में क्या लगाया जाता है, कम्यूटेटर लगा होता है, उसके पीछे साइड में लगा क्या लगाया जाता है, स्लिप रिंग लगाया जाता है। तो जिस साइड स्लिप रिंग होगा उस साइड कम्यूटेटर नहीं होगा, जिस साइड कम्यूटेटर होगा उस साइड स्लिप रिंग नहीं होगा। तो आपका ये हो जाएगा अदर साइड रोटर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्टेटर बैक EMF ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मैग्नीट्यूड है, ये आपका सिंक्रोनस मोटर बनाते हैं आपका, ये रोटर है और इसी पर क्या की जाती है फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग का एक्साइटेशन बढ़ाते हैं तो फील्ड का फ्लक्स बढ़ता है, और ये रोटर और ये इसका फ्लक्स साथ साथ घूमते हैं। तो स्पीड तो कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन जैसे फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ाते फाई बढ़ता है, और जो ये फाई इसको काटता है तो इसमें एक EMF होता है, EMF क्या होता है, बढ़ता है। तो फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, आपका एक्साइटेशन पे, और एक फाई डिपेंड कर रहा है, फाई पे डिपेंड कर रहा है E। तो अगर फाई बढ़ेगा तो EMF बढ़ेगा। तो अब फाई कैसे बढ़ेगा, एक्साइटेशन पे। तो आपका एक्साइटेशन बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ता है, जिससे EMF क्या होता है, बढ़ता है। तो आपका DC एक्साइटेशन ऑनली हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन एन अल्टरनेटर द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज इज। तो दोस्तों यहाँ पर होता है पर फेज जो आरएमएस वैल्यू होती है एक्चुअल में ये होती है आपकी ईपी इक्वल टू होती है 2.225 kDkp/z, लेकिन जेड इक्वल टू क्या होता है 2t। तो जब जेड इक्वल टू 2t रखते हैं तो ये होता है आपका 4.44 और जेड के जब क्या आता है टी आ जाता है। तो दोस्तों जब 4.44 के फॉर्म में दे रहा है तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए टी होना चाहिए। अगर 2.22 के फॉर्म में देगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए जेड होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर टी दिया हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.44। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द रेशियो ऑफ द पीक एंड आरएमएस वैल्यू इज एसी टर्म्स इज। तो दोस्तों आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू का जो रेशियो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पीक फैक्टर, इसे हम लोग केपी से डिनोट करते हैं। और साइनोसोडियल के लिए इसका मान होता है 1.414। तो ये दोस्तों दो चीज़ें इसमें हमेशा पूछती है, तो पीक फैक्टर का फार्मूला पूछता है पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, और साइनोसोडियल वेव के लिए इसका मान कितना होता है 1.414। और यही पूछता है दोस्तों फॉर्म फैक्टर kF, तो ये होता है आपका आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, उसका मान होता है आपका 1.111। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ मेजर्ड एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन हाफ साइकिल इज कॉल्ड। दोस्तों बोल रहा है कि जो हाफ साइकिल में जो एवरेज वैल्यू है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सभी तत्कालिक मानों का औसत ही क्या कहलाता है औसत मान। तो सभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बोलते हैं तत्कालिक मान, तो इन्हीं का जो हाफ साइकिल में औसत मान होता है उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू। तो आपका आंसर हो जाएगा एवरेज वैल्यू। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द टेक्निक ऑफ डेकोरेशन लाइटिंग द परसेंटेज ऑफ द टोटल लाइट फ्लक्स दैट इज मेड टू फॉल डाउनवर्ड्स डायरेक्टली विद द हाफ हेल्प ऑफ द सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। तो बोला दोस्त जो सेमी डायरेक्ट लाइटिंग होती है मतलब कि अर्ध प्रत्यक्ष लाइटिंग, तो यहाँ पर आपका एक बल्ब होता है, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, तो कुछ भाग आपका प्रकाश का ऊपर चला जाता है बाकी क्या आता है नीचे। तो नीचे आपका आता है 60 से 90% नीचे आता है, जो बाकी बचता क्या जाता है ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 से 90। अगर डायरेक्ट रहता है तो लगभग 90% नीचे आ जाता है और 10% क्या आता है ऊपर, और इनडायरेक्ट रहता है तो 90% ऊपर लगभग और 10% नीचे। अगर नॉर्मल लाइटिंग रहती है तो 50-50 होता है, चारों तरफ बराबर प्रकाश फैलता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इन ए थ्री फेज एसी स्टेटर वाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉयल्स पर ग्रुप्स इज इक्वल टू। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल कॉयल पर नंबर ऑफ कॉयल ग्रुप, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द पी टर्मिनल्स ऑफ द कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड एन टर्मिनल्स इज कनेक्टेड टू द निगेटिव ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो दोस्तों अगर हमारा एक पीएन डायोड है ये पॉजिटिव होता है ये निगेटिव होता है, पी वाले को पॉजिटिव से और एन वाले को निगेटिव जोड़ते हैं तो किस में होता है फॉरवर्ड बायस में। अगर यही उल्टा कनेक्शन कर दिए निगेटिव को पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाले को निगेटिव से, ये किस में हो जाएगा रिवर्स में, लेकिन यहाँ पर पूछा है फॉरवर्ड बायस के बारे में। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, द अर्थ लीकेज रिले टिप ट्रिप्स वेन द न्यूट्रल टू ग्राउंड वोल्टेज लिमिट। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि जो लीकेज अर्थ लीकेज रिले है वो क्या करते हैं न्यूट्रल टू ग्राउंड, तो ये क्या करती है आपको एक्सीड द सर्टेन सेट लिमिट, आपको सुरक्षा करती है किसे लीकेज करंट से। तो यहाँ पर जो करंट है उसको लिमिट कर देती है,
तो आपका आंसर हो जाएगा अगला। अगला देखते हैं, इन ए ट्रांजिस्टर द पावर कंजप्शन इज क्वेट लो आने भेरी। तो बोला है कि दोस्तों एक ट्रांजिस्टर है वो पावर कंजप्शन लो क्यों करता है। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर को हम क्या करते हैं, लो वोल्टेज देते हैं, तो इसलिए उसमें पावर कंजप्शन क्या होगा, लो होगा। तो लो वोल्टेज देने पर उसमें पावर कंजप्शन क्या होता है, लो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड इंसुलेटिंग मटेरियल इज टू है। तो कोई भी दोस्तों अगर अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर, गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए डायोड द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस इज टर्म्स एज। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। यहीं पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बैरियर पोटेंशियल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF जनरेटेड बाई एन अल्टरनेटर कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग। तो बोल रहा है दोस्तों कि एक अल्टरनेटर में जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी एक्साइटेशन है, ये हो गया आपका अल्टरनेटर, ये हो गया रोटर, और यहाँ पर आपका एक्साइटेशन देते हैं। तो एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो यहाँ पर EMF क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्साइटेशन करंट इन द रोटर वाइंडिंग इंक्रीज करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का एडवांटेज क्या है, आपकी लो स्पीड पर क्या मिलती है, हाई इफिशियंसी मिलती है। आपकी वेरिएबल स्पीड गलत है, लो पावर फैक्टर गलत है, लो इफिशियंसी एंड लो स्पीड ये भी गलत है, तो आपकी इफिशियंसी क्या मिलती है, हाई मिलती है, और स्पीड के लो स्पीड पर, तो इसकी इफिशियंसी लगभग होती है 90% के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बड़े आकार के 3 फेज मोटर के स्लिप का मान कितना होगा। तो दोस्तों ये बड़े आकार का पूछा है, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1.5 से 2.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना। दोस्तों कोरोना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कंडक्टर होते हैं, उसके सतह क्या होना चाहिए, हर जगह बराबर नहीं होते हैं तो कोरोना इफेक्ट आ जाता है। तो सतह अगर बराबर होगा तो कोरोना इफेक्ट कम आता है। तो आपको यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ई रेगुलर एंड रफ सरफेस, मतलब सरफेस क्या है, बराबर नहीं है, और क्या है, रफ मतलब भद्दा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अ मोटर कन्वर्टर सेट इज ए कम्बाइंड फॉर्म। तो दोस्तों मोटर और कन्वर्टर सेट जो होता है वो कौन किस क्या जुड़ा होता है, उसमें एक मोटर होता है और उससे क्या कपल कर लेते हैं, एक जनरेटर कपल कर लेते हैं। तो मोटर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी किस में देंगे, जनरेटर में। तो आप क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं MG सेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो बोला है दोस्तों एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप लेने जा रहे हैं तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान दीजिए कि जो नेक्ट वायर है, नेक्ट मतलब नंगे तार है, उसको कभी भी नहीं छूना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एडिंग डिस्टिल्ड वाटर टू द लेड एसिड सेल टू राइज लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप टू 1 सेंटीमीटर एबव टू प्लेट्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि जो हम लोग इस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, उसको हम लोग प्लेटों से क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर ऊपर भरते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं टॉपिंग अप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टॉपिंग अप बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द एम्पलीफायर इन विच द ट्रांजिस्टर बायस एंड वोल्टेज आर एडजस्टेड सो दैट द कलेक्टर करेंट फ्लो फॉर हाफ टाइम इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड। तो दोस्तों बोल रहा है कि वह एम्पलीफायर का नाम बताइए जो हाफ साइकिल में ये करेंट क्या करे, फ्लो कर दे। तो वो एम्पलीफायर होता है Class B टाइप एम्पलीफायर। ये क्या करता है, हाफ साइकिल में ही आपकी करेंट, ये आपकी पूरी साइकिल है तो पूरी साइकिल, तो ये हाफ साइकिल में ही क्या करता है, करेंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ए संट मोटर ड्रा ए करेंट आप 120 एम्पियर आप 440 वोल्ट, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.3 ओम एंड द स्पीड ऑफ मोटर इज 800 RPM। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिड्यूस्ड बाई 80%,
रिस्पेक्ट टू द इनिशियल स्टेट एंड द आर्मेचर करंट इन इज 150 एम्पियर, देन द कैलकुलेट द स्पीड विद द नो चेंज इन द आर्क। तो दोस्तों बोला है कि इसकी जो फ्लक्स है उसको क्या कर रहा है, 80% कम कर रहा है। तो हमारा N1/N2 हो जाएगा दोस्तों, अगर EB और को कांस्टेंट माना जाए तो ∅2/∅1, क्योंकि N इक्वल टू क्या आता है, EB/∅। तो दोस्तों आपको निकालना है कि ∅2 कितनी हो रही है, तो ∅1 का कितने हो रहा है, 80% कम हो रहा है। तो इसमें आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो आपकी यहाँ पर N1 क्या है, 800 RPM है, तो आपका वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप दोस्तों इसको थोड़ा सा कर लीजिए, कैलकुलेशन है यहाँ पर, आपका मिल जाएगा 977.7 RPM। इससे भी आपको क्लियर होता है दोस्तों यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो फ्लक्स की वैल्यू कर रहा है तो N बराबर क्या होता है, EB/∅। तो ∅ कम होगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो 800 पड़ेगी तो अब 800 से ज़्यादा ही मिलेगी। तो आपका ज़्यादातर संभावना आपको कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आपका आएगा 977.7 RPM। अगला है दोस्तों, एक 5 kW 50 Hz, एक 5 kW 50 Hz 6 पोल स्लिप रिंग मोटर 960 RPM पर तुल्यकालिक गति 1000 RPM से प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए। तो दोस्तों प्रतिशत स्लिप होता है आपका NS-NR/NS × 100। तो आपका ये दिया हुआ है 1000/960/1000 हो जाएगा, यहाँ गुड़े 100, तो आपका ये हो जाएगा 40×100/1000। तो आपका ये हो जाएगा कैंसिल और 0, तो कितना हो जाएगा, 4%। तो आपका आंसर हो जाएगा 4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लैंप में एक अन्य लैंप की तुलना में प्रकाशमान होने में अधिक समय विलंब होता है। तो दोस्तों जो सोडियम वाष्प लैंप होता है उसको पूरा प्रकाशमान होने में लगभग 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो आपका ये हो जाएगा आंसर, सोडियम वाष्प लैंप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समपरिवर्तक कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण ब्रशों पर घूर्णन की दिशा के में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों इंटरपोल विधि। इंटरपोल का यूज करने से क्या होता है, इंटरपोल रीजन में स्पार्किंग नहीं होती है। तो आपका हो जाएगा इंटरपोल विधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन न्यूट्रल अक्ष को और स्थानांतरित करना होता है। तो दोस्तों इसमें आर्मेचर रिएक्शन कारण जो हम लोग ब्रश को या MNA को जो रोटेट कराते हैं, तो जनरेटर के लिए रोटेशन की दिशा में कराते हैं और मोटर के लिए रोटेशन की विपरीत दिशा में। तो ये जनरेटर के लिए क्या हो जाएगा, घूर्णन की दिशा में, अगर मोटर देता है तो मोटर में घूर्णन के विपरीत दिशा में इसको रोटेट कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आद्य चालक के आधार पर किस प्रकार के अल्टरनेटर में भाप द्वारा उत्पादित बल पानी द्वारा उत्पादित बल से अधिक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका टर्बाइन हो जाएगा भाप टर्बाइन अल्टरनेटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक शंट जनित 440 वोल्ट पर 40 एम्पियर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है। तो दोस्तों एक आप यहाँ बनाते हैं, तो दोस्तों अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधे एक छोटा सा जो भी बोलता है सन जनरेटर बोला, तो यहाँ पर सन जनरेटर बना लिए। क्या बोला है आपका यहाँ पर 440 वोल्ट पर, तो यहाँ का लोड लगेगा 440 वोल्ट पर, क्या बोल रहा है आपका 40 एम्पियर लोड धारा। संट वोल्टेज प्रतिरोध क्या है, 220 ओम है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना है, 220 ओम, और आर्मेचर प्रतिरोध कितना है, 0.8 ओम। आर्मेचर विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ मिलेगा, तो यहाँ की जो करंट हो जाएगी I/V/R हो जाएगा। तो 440/220, तो 220 दूना कितना हो जाएगा, 440, तो यहाँ से कितनी करंट आएगी, 2 एम्पियर। तो 40 इधर गई, 2 एम्पियर इधर गई, तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी, 42 एम्पियर। तो आपका आंसर हो जाएगा 42 एम्पियर। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 42 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लेड एसी टाइप बैटरी टाइप इज वन ऑफ द एक्यूमुलेटर ऑफ बैटरी एंड द अदर टाइप इज।
तो ये हो जाता है निकिल कैडियम एंड निकिल आयरन बैटरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फॉर ए मेजरिंग रेजिस्टेंस द फॉलोइंग नीड्स टू बी डन बिफोर यूजिंग द ओम मीटर। तो दोस्तों बोल रहा है कि जो ओम मीटर यूज करते हैं वो क्या करना चाहिए। तो शुरुआत में हम उसको क्या कर लेते हैं, पॉइंटर को 0 पर सेट कर लेते हैं, जिसे हम उसके लिए क्या करते हैं, पोटेंशियो मीटर का सहायता लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वैक्स एज कंपाउंड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इसमें पैराफिन वैक्स का यूज करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्रादुतिक परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक क्षमता युक्त रोधी पदार्थ है। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा है, तो आपका जो माइका होता है उसका हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है। तो दोस्तों जो विद्युत धारा है वो समानुपाती होती है आपके वोल्टेज के, तो आपके क्या हो जाएगा, आई समानुपाते भी। अगला दोस्तों, अवमंदन बलागुण डैम्पिंग टार्क एक चल कुंडली उपकरण में द्वारा विकसित होता है। दोस्तों जो अवमंदक बलागुण डैम्पिंग टार्क होता है वो किसे उत्पन्न होता है, ईडी करंट से होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ईडी करंट या भंवर धारा से हम लोग क्या उत्पन्न करते हैं, डैम्पिंग टार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइंडिंग टू डू द बिगनिंग एंड टर्मिनेटिंग एंड्स ऑफ द कॉइल क्रॉस ईच अदर केसिंग शॉर्ट सर्किट। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। जब हम लोग वाइंडिंग पीछे की तरफ आती है, ऐसे वाइंडिंग करेंगे, जब ये पीछे की तरफ आती जब बढ़ती जाती है तो उसको बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। इसमें शॉर्ट सर्किट की लगता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रिट्रोग्रेसिंग वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई, तो विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपान ए। तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए अपान एल। आर का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, तो आपका बच जाएगा ओम मीटर, तो आंसर हो जाएगा ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निकिल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकिल हाइड्रोक्साइड तथा निकिल के सल्क में पैदा होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पैदा होता है, एकांतर परत पैदा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ कोरोना इज, तो कोरोना का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पावर लॉस। कोरोना का क्या होता है, पावर का लॉस होता है, पावर की हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों प्रतिरोधक का प्रयोग क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए। कहीं पर भी रेजिस्टेंस लगाया जाता है तो समझ लीजिए क्या लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, धारा का प्रवाह घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोध का ताप गुणांक प्रतिरोध में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला परिवर्तन होता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते ही हैं कि एक सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन करने पर कितना रेजिस्टेंस में वृद्धि होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। तो यहाँ आपका हो जाएगा प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सीरीज एंड शंट फील्ड प्रोड्यूस द फ्लक्स दैट एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन एज इन। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है, अगर ये सीरीज फील्ड है और ये आपकी शंट फील्ड है, तो अगर इसका धारक दिशा और इसकी धारक दिशा सेम है, तो यहाँ पर ये मान लीजिए फाई एस सी है और यहाँ क्या हो जाएगा फाई एस सी। तो इस टाइप का जो कनेक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड। तो आपका आंसर हो जाएगा कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डायक के मामले में अनुप्रयुक्त वोल्टेज जब अवधान वोल्टेज मान से अधिक हो जाए तो लीकेज धारा का। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है अनुप्रयुक्त वोल्टेज, अवधान मतलब होता है आपका ब्रेकिंग वोल्टेज, उससे ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो लीकेज धारा हो जाती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग विच आर द फॉलोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज। दोस्तों इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग में जो हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल करते हैं, एम्पायर क्लॉथ यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यू एन आई जंक्शन ट्रांजिस्टर में दो आधारों के बीच प्रतिरोध लगभग कितना होता है। देखिए दोस्तों एकदम क्वेश्चन ईजी है, लेकिन यहाँ लैंग्वेज का ध्यान दीजिएगा, जरूर पेपर में जाएगा। तो UNI मतलब यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आधारों के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है 5 किलो ओम से
10 किलो ओम। तो आपका आंसर हो जाएगा 5,000 ओम से 10,000 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फार बोरिंग स्मॉल होल्स ऑन वुड्स आर्टिकल विच टूल्स इज यूज, बोल रहा है कि होल्स करने के लिए किस टूल्स का यूज करते हैं। तो हम लोग करते हैं ब्राड, ब्राड वेल का यूज करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये था दोस्तों DMRC का 2018 का पेपर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दें, जिससे मैं कभी भी आप वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।